हेल्दी किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ अफगानी चाव। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि मैं उनके लिए अफगानी चाव की रेसिपी ज़रूर डालूँ, इसे मैं आज आप सबके लिए बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मेलन सीड पाउडर, पॉपी सीड पाउडर, कैश्यू नट पाउडर, मोज़रेला चीज़, गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, ग्रीन चिल्ली पेस्ट, क्रीम, हंकर्ड, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ग्रीन कार्डमम पाउडर, बे लीव्स और सोया चाव। सबसे पहले हम सोया चाव को काटेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसको निकालेंगे। अब हम इसे काटेंगे। सभी चांपों को ऐसे ही काट लीजिए। ये हमारी चांपे कट गई है। अब हम पानी लेके उसको बॉईल करेंगे। इसमें बे लीव्स डालेंगे और 1 स्पून सॉल्ट का डाल देंगे। अब हम पानी को पहले बॉईल होने देंगे। ये हमारा पानी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें चांपे डालेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। चांपे 2 मिनट के लिए बॉईल हो गई हैं और सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। हमने चांपों का पानी निकाल दिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे, उसमें क्रीम डालेंगे, हंकर डालेंगे, मोज़रेला चीज़ डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें मेलन सीड्स का पाउडर डालेंगे, पॉपी सीड्स का पाउडर डालेंगे, नट पाउडर डालेंगे, गार्लिक पेस्ट डालेंगे, जिंजर पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ग्रीन कार्डमम पाउडर डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। हमारी मैरिनेशन अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें चांपे डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये चांपे हमने मैरिनेट कर दिए हैं। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये हमारी चांपे मैरिनेट हो गई हैं। अब हम इसे एयर फ्रायर में लगाएंगे 160 डिग्री पे 8 से 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप इसे ओटीजी या माइक्रोवेव ग्रिल पे भी लगा सकते हैं। 2-3 मिनट के बाद हम आप इसकी ऑयलिंग करेंगे। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। हमने साइड चेंज कर दी है। अब इस साइड से फिर ऑयल की ब्रशिंग करेंगे। अब हम इसे 5 मिनट के लिए फिर दोबारा से लगा। ये हमारी अफगानी चाव तैयार हो गई है। आई एम श्योर ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपनी वैल्यूएबल सजेशंस देना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।